दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कि बिग बॉस 3 में मेरा जो झगड़ा हुआ था उसका रीजन क्या था। एक्चुअली जब मैं बिग बॉस में गया तो मैंने प्रोड्यूसर्स को पहले ही कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते बिग बॉस में रह सकता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बाहर देखना पड़ता है। बट वो शो मैं करना चाहता था क्योंकि बच्चन साहब उस शो को कर रहे थे। मैं एक फोन छुपा करके लेके गया था और मेरे ख्याल में 5 या 6 बैटरीज थी। वो फोन में कहीं बाथरूम में एक होल था, उसमें बाथरूम में ही मैसेज से मैं बात करता था और रख देता था। हमारा फैन खराब हो गया था, हम लोग सब बाहर निकाले गए और वो जो टेक्नीशियन फैन ठीक करने के लिए आया था वो मेरा फोन उठा करके ले गया। तो मेरा दिमाग एकदम बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक हो गया कि अब मैं क्या करूं। मैंने बिग बॉस को कहा कि भाई मुझे आज ही जाना है। बिग बॉस ने कहा कि आप ऐसे जा नहीं सकते। मैंने कहा कि मैं पहले ही कहा था कि मैं 3 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा रहूंगा और 2 ही दिन बाकी है 3 हफ्ते में, तो खत्म हो गई बात, मुझे आज ही जाना है। बिग बॉस ने कहा कि भाई ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप कोई ऐसा काम करो जिससे मैं आपको बाहर निकाल दूं। तो मैंने कहा कि भाई मैं किसी को पीट देता हूं। बिग बॉस ने कहा हां ठीक है। तो मैंने बिग बॉस से कहा कि भाई देखो मैं पीट देता हूं बट ऐसा नहीं पीटूंगा कि किसी को चोट लग जाए। इसलिए अगर आप देखेंगे तो जो बोतल मैंने रोहित पर फेंकी थी वो खाली थी, उसमें पानी नहीं था। अगर मुझे उसको हर्ट करना होता तो उसमें पानी भर के भी मैं उस पर फेंक सकता था। मेरे पास ग्लास रखा था, मैं वो भी मार सकता था। मेरे पास प्लेट रखी थी, मैं वो भी मार सकता था, बट मैंने वो नहीं किया। तो वो सिर्फ एक रीजन था घर से बाहर निकलने का। मेरी दूसरी फाइट, लोगों को लगता है कि शायद मैंने गोल्ड अवार्ड्स में जाके बहुत हंगामा किया था, जहां उन्होंने मुझे बाल्टी अवार्ड दिया था और मैंने फेंक दिया था। एक्चुअली गोल्ड अवार्ड के जो प्रोड्यूसर हैं विकास कलंत्री, वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि भाईजान कोई बढ़िया सी कंट्रोवर्सी कर दो ताकि मेरे शो की टीआरपी बढ़िया बढ़ जाए। मैंने कहा यार क्या करूं, क्या कर सकता हूं। बहुत सोचने के बाद हम सब ने मिलके प्लान किया कि भाई ठीक है, अली और सुरेश आपको बाल्टी अवार्ड देंगे और आप उनको वहां पे पीट देना। अली ने मुझे कहा कि आप वो बाल्टी सीधे मेरे सर पे मारना। तो मैंने कहा कि भाई बाल्टी सर पे मारूंगा तो खून निकल आएगा। तो अली ने बोला भाई अच्छा है, खून निकलेगा तो केस और बड़ा होगा और टीवी पे और ज्यादा चलेगा। सुरेश मैन ने तो इवन यहां तक के कहा कि मुझे नीचे गिरा लेना और लात घूंसे फुल पेल देना मेरे ऊपर। मैंने बोला भाई जी आप दोनों बनना चाहते हो हीरो, मैं तो ये सब नहीं करूंगा, मैं मारपीट तो नहीं करूंगा। मेरी वैसे ही पोजीशन खराब है, लोग मुझे वैसे ही मारपीट वाला आदमी समझते हैं। तो मैंने कहा कि चलो आप मुझे अवार्ड दो, मैं अपने हिसाब से कुछ करूंगा। मैं वहां गया, उन्होंने मुझे वही प्लानिंग के हिसाब से बाल्टी अवार्ड ला करके दिया और उनको यही उम्मीद थी कि वो बाल्टी अवार्ड में उनको मारूंगा पीटूंगा थप्पड़ मुक्के ये सब होगा। बट मैंने वैसा नहीं किया, मैंने ये किया कि भाई उनके शो की टीआरपी भी बढ़ जाए, उनका काम भी हो जाए और मेरी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब भी ना हो। तो ये थी एक्चुअली रियलिटी। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे गुस्सा आ गया था या मैंने ऐसे ही गुस्से में ये सब कर दिया था। ठीक है।